नमस्कार, मेरा नाम है वसंतराज बी एक्सप्लेनर, यानी कि आपका अपना विनोद कुमार जोशी। पिछले वीडियो में हमने एक आसन बताया था आवाज को अच्छा करने के लिए। आज मैं नया आसन लेकर आया हूँ जिसका नाम है सिंहासन। सिंह का मतलब होता है शेर, और आपको आवाज चाहिए ना शेर की जैसे दहाड़ वाली, तो आप देखते हैं वो कैसे करना है हमें। उसके पहले सिंहासन जो आसन है उससे पहले हमें वज्रासन में बैठना सीखना होगा। अब आपको मैं दिख रहा हूँ कैसे बैठना है। ये वज्रासन ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। इसके भी अलग अलग फायदे हैं, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज आवाज को बेहतर करने के लिए हम सिंहासन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऐसे घुटनों पर बैठ जाना है, और पीछे से जो आपके पैर ऐसे होंगे उनको ऐसे मिला देना, ठीक है। अभी मैं वीडियो ऐसे जाके बना नहीं सकता, हमारे गौरव भाई साहब हमारे बना रहे हैं। इनका भी यूट्यूब चैनल है, आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? आर्टिकल टीवी। आर्टिकल टीवी आप देख सकते हैं, वहां पर जाकर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो एजुकेशन की वीडियो ये भी बनाते हैं। तो अपन आते हैं अपनी बात पे कि आवाज को बेहतर कैसे बनाएंगे। तो आपको वज्रासन में बैठ जाना है ऐसे करके। अब सिंहासन की पोजीशन में हमें इन घुटनों को ऐसे खोल देना है, और हाथों को उंगलियों को खोल देना है। अब इसको नीचे रखेंगे हम, और पहले इस पोजिशन में हम रिलैक्स होंगे 30 से 40 मिनट। आराम से सांस को ब्रीदिंग कर लीजिए, आराम से सांस का कंट्रोल हो जाए। अब हमें शेर के जैसे जीभ निकाल के दहाड़ मारनी है, आवाज निकालनी है गले से, ठीक है। पहले सांस अंदर लेंगे, देखिए कैसे। पोजीशन को आपको करना है 10 से 12, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, गले में जो पूरी ग्रंथियां है उनके ऊपर खिंचाव पड़ेगा, गला खुलेगा। सबसे अच्छी इसकी जो फायदा है ना, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट को ये मिलेगा कि जो अटकते हैं ना बोलने में वो अटकेंगे। इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। आप एक महीने करके देखिए, बहुत ही अच्छा प्राणायाम है सिंहासन। हमारे जो ऋषि मुनियों ने हजारों सालों से जो पद्धति अपनाई है ना, उसको बहुत फायदा है, और आवाज को बेहतर बनाने के लिए आप जानते ही है। मैं ऐसे ही टिप्स लाते रहूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और